हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम है। करंटली आई एम हैंडलिंग डीएसए चैनल एट रेडकार्पेट। आई एम फ्रॉम मुरादाबाद। वी आर फोर मेंबर इन माय फैमिली, माय फादर, माय मदर। मेरे फादर का बिजनेस है शुगर का और मेरी माँ हाउसवाइफ है। मैंने 2014 में कॉलेज ज्वाइन करा था, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर रखी है। कॉलेज टाइम पर मैंने एक स्टार्टअप में वर्क कर रखा है, मतलब स्टार्टअप में वर्क मैंने स्टार्टअप करा था। उसमें हम क्या करते थे, उसका नाम था सब्जी स्टोर डॉट इन। उसमें हम करते थे इज टू डिलीवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अक्रॉस द सिटी विद इन 90 मिनट्स। वहाँ पर मेरा काम ये होता था, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इन एंड आउट फॉर कंपनी ऑपरेशन। जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था तो मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा था, तो मैंने रेड कार्पेट का नाम सुना, ठीक है। फिर मतलब कॉलेज पोर्टल पे रेड कार्पेट का नाम वहाँ से सुना था, ठीक है। अब जब मैंने इसके बारे में सर्च कराया, कंपनी क्या करती है और क्या कंपनी को मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है, अब जॉब प्रोफाइल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब जो प्रोफाइल है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये मेरे लिए सबसे अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करा मिस्टर आवेद हमारी सर, CMO एट रेडकार्पेट। उनको मैंने एक नोट लिखा, उसमें बताया कि मेरा मतलब एक्सपीरियंस बताया मैंने अपना, और उसमें बताया कि मैं कैसे रेड कार्पेट के लिए सूटेबल पर्सन हूँ, ठीक है। और मैंने उनको एक लिंक्डइन पे मेल कर दिया था। फिर मुझे ये भी नहीं था कि मुझे इसका रिप्लाई आएगा, और मैं ऐसा सोच के भी चला था कि मैंने बस मेल कर दिया, क्योंकि मुझे इस मैं जॉब ले रहा था रेड कार्पेट में, ठीक है। बस ये एक सरप्राइज ये हुआ कि आधे ही घंटे बाद उनका सर का रिप्लाई बैक आ गया मेरे पास। उन्होंने फिर मेरे से बात बात हुई, मैं इंटरव्यू के लिए दिल्ली आया। फिर अभय सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उन्होंने मुझे पूछा कि क्या एक्सपीरियंस, मतलब पूरा एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, मैंने बताया वो चीज़। और उन्होंने पूछा कि रेड कार्पेट के बारे में क्या जानते हो, ठीक है, बताया सारी चीज़ बताई। फिर उसके बाद उनको लगा कि मैं गार्डन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं सेलेक्ट हो गया था, दैट्स हाउ माय जर्नी विद रेड कार्पेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं गया मेरठ में गया था, और सौरभ किस सर के साथ गया था। उसमें हमने स्टार्ट करा था ऑन फील्ड पे, ग्राउंड पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। वहाँ जाके स्टार्ट मतलब बताने लगा कि रेड कार्पेट के बारे में लोगों को, ठीक है। अब स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, नहीं हो पा रहा था, ठीक है। फिर 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। फिर दोबारा मीटिंग हुई कंपनी में, न्यू कर दिया मैं। फिर स्टार्ट, फिर उन्होंने फिर बोला कि नाम अब एक बार नहीं हुआ, फिर दोबारा अब ऐसा और कंपनी ने उस पर भरोसा करा। फिर मुझसे बोला कि तुम जो लोकेशन चाहते हो देहरादून, उसमें हम भेज देते हैं, वहाँ जाके तुम करना इस चीज़ को। अब मैं गया देहरादून, स्टार्ट करा मैंने, ठीक है। कॉलेज में गए, ठीक है। कॉलेज में मीटिंग करी, मतलब उनको उनके जो एडमिशन काउंसलर थे उनको बताया कि ऐसे, ठीक है, वो ऐसे। फिर कोचिंग सेंटर में बोला कि आपकी जो फीस है वो रेड कार्पेट पे करेगा, इस तरीके से बताया उनको। उन्होंने फिर भी ऐसे कुछ नहीं चला। फिर और ये भी टाइम था उस टाइम कि कॉलेजेस बंद थे, स्टूडेंट नहीं थे, और वो जून का मंथ चल रहा था थोड़ा, इसलिए CO भी चल रहा था। और ये भी था कि वो मतलब देहरादून में आज तक इस तरीके की सर्विस कोई अभी तक आई नहीं थी, तो लोगों को इस बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। अब बस मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि ना मैं तो इस चीज़ में कर मतलब ये बता सकता हूँ और इसमें अच्छा कर सकता हूँ ना। फिर 1 महीना हो गया, ठीक है, कंपनी से फोन वोन आया कि क्या चल रहा है कैसे, मतलब पूरा अच्छा रेस्पॉन्स, मतलब अच्छा रेस्पॉन्स किया। मैं यहाँ कोई परफॉर्मेंस भी नहीं हुई थी, तो इतना कंपनी को मेरे ऊपर से थोड़ा लग रहा था कि ट्रस्ट कम हो गया है ना। फिर सैलरी मेरी आ गई थी, ठीक है, और सैलरी आई थी मेरे पास 95% डिडक्ट हो गया थी मेरे पास ना। वो टाइम ऐसा लग रहा था कि क्या ये, एक टाइम था कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, बट मेरे अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे था कि है मेरे लिए, मतलब मैं अपनी स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ यहाँ पर रह के, क्योंकि मुझे स्टार्टअप में ही काम करना था, और जो मैं चाहता हूँ मतलब जो मेरा ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस फिर, और मुझे उस 1 महीने 1.5 महीने का जो काम कर रहा था मैं उस टाइम पर,
और इतना पता लग गया था कि कैसे वर्क करना है, ठीक है, तो फिर मैं इसलिए छोड़ने का मेरा सीन नहीं था। फिर मैंने कंटिन्यू करा और विद इन 3 मंथ्स मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। इन दिसंबर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में हमारा एक नया सेगमेंट हमें कंपनी का लॉन्च करना था, अनकैटेगराइज सेगमेंट। तो मनीष सर से मैंने बात बात करी, तो फिर मनीष सर ने मुझे उनको मेरे अंदर कैपेबिलिटी दी। जब मैं डी एस ए चैनल में आया तो फिर मतलब ये डी एस ए चैनल में आना एक मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कंपनी से मतलब अपना टाइप करते हैं, कंपनी हमारे साथ टाइप करती हैं और वो हमारे लिए सेल करती हैं। जो कंपनीज है वो तो अलग चीज़ है, उसमें जो हमारे साथ मीटिंग करते हैं लोग वो 15 से 20 साल एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करना वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब ना मैंने स्टार्ट करा दिल्ली से, तो फिर अब मैंने मीटिंग्स करनी स्टार्ट करा, ठीक है, लोग मैंने उनके साथ बैठना मतलब जो आ रहे थे उनके साथ इंटरेक्शन करा कि क्या है, मतलब उनको बताया, ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आने लगा, ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ। फिर 1 महीने में दिल्ली में, फिर उसके बाद मैंने 2-3 सिटीज करा, फिर नाउ आई एम हैंडलिंग 10 सिटीज। तो ये मेरे लिए कुछ अभी है कि मैं 10 सिटीज के अंदर अपने डी एस ए हैंडल कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में अपने डी एस ए करूँगा। जब मैं कंपनी में आया मैं एक सिंगल सिटी हैंडल नहीं कर रहा, मतलब कर नहीं पा रहा था, नाउ आई एम हैंडलिंग 10 सिटीज। मतलब जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 10x हुआ है, ठीक है, और मैं ये लेवल मतलब हाई लेवल तक पहुंचने वाला हूँ अभी आने वाले टाइम में। कॉलेज टाइम पर जो मेरा ड्रीम था, जैसे जो 1 साल के अंदर मेरा जो ड्रीम है कि मैं क्या मुझे कहाँ पहुंचना था और क्या मुझे, तो मैं रेड कार्पेट की मदद से वो एक आने वाले टाइम में मैं उस पोजिशन पर पहुँच जाऊँगा मुझे लग रहा है। With 10 to 15 years of experience, I start to my resume.